भाई साहब, हम हैं कानपुर के रावण भाई। अपने जिंदगी की सच्चाई हम आज अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने गांववासियों को, सभी को सूचना देने वाला हूं। मैं अपने बारे में, मेरी जन्म 4/12/99 है। मैं बड़े गांव में पैदा हुआ हूं। मेरा ऐसा समय कटा कि हम खुद नहीं जान पाए हमें जीवन में करना क्या है। हम जीवन में अपने माँ बाप को धोखा देते रहे, अंत तक आज हम धोखे में चले गए। माँ बाप तो खूब हमका पढ़ाने, खूब पैसा लगाएन, खूब रुपया लगाएन, मगर ना हम उन पैसन का बहुत खिलवा समझ के बहुत लुटा दें। तभी क्या इससे धीरे धीरे जिंदगी हमारी बिल्कुल सत्यानाश हो गई। हम पढ़ा यात्रा स्कूल है भाई साहब, जादरान स्कूल है। पहले तो हम पढ़ा था अपने गांव वाले मल्लाह स्कूल माँ, एक ही बात गया माँ आदर्श माँ, फिर गेंद निकेतन माँ, फिर आए चेंड्रेस माँ। हम इतने अपने स्कूल माँ बदलदारा, इतने स्कूल बदलदारा अपने जिंदगी माँ कि पूरी जिंदगी तहस नहस होगी भैया हमारी। जब हम कोचिंग पढ़ते हम चार चार कोचिंग लगा रहा, मास्टर साहब हमारे घर में पढ़ावा आवा था हमका, हमका पढ़ावा आवा था मास्टर साहब हमारे घर में। 100 मांगे तो ना 500 मुंह में फेंक दिया था चप चप चैला इस। मगर गुरु जी हमार सोचन की अच्छा मुर्गी मिली, चलो यार के घरे जाके पढ़ाया हम, चले पढ़ावा तो ना हमका भाई साहब, बहुत पढ़ाए, बहुत बकलोली खेन हम अपनी जिंदगी में, पढ़ावा भी हम बान ना पढ़न। हाँ कल ले भी गुरु जी भी ऐसे हमें सही हो। अरे कहा ना चला यार 500 रुपया महीना मिल रहा, ज्यादा मिल रहा, 1000 रुपया चार कोचिंग पढ़ाते ना 500, 2000 रुपया होता है, 2000 रुपया महीना माँ बर्बाद होता रहा है फ्री फंड माँ, और रैया रत्ती भरी का हमका ज्ञान नहीं मिला यार। ऐसे कह के आन हम हाई स्कूल में जब पढ़ेंगे भाई साहब हमका आवत साला पूछो ना रहा पेपर माँ, रत्ती भरना आवत रहा है तो हम कहा किन भाई साहब। हम फिर सोचे अपने जिंदगी में यार पास भी होएगा यार, माँ बाप का नाम भी ना खराब होए, हम भी होके चक्करे में भी हम का किन, हम बहुत थोड़ा नैटी करना माँ बाप, पेपर होते रहे पेपर में भी जुगाड़ किन, जुगाड़ ऐसे नहीं गिन जाते भैया, पेपर में जुगाड़ कैसे गिन जाते है। हम पेपर देंगे ना हिंदी के, एक दे तो हम हाई स्कूल फेल हो चुके हैं भाई साहब, रियलिटी बता रहे हैं। पेपर गेन पहले बार पेपर दिन हिंदी पेपर दिन भास्कर सेंटर का है यार, कापी में खूब लिखा, इसके बाद पूरी कापी को काट दिया हमने। हम वो साल मन न लाग पड़ा, मैं एक साल आगे हो गए रन, फिर एक साल पीछे हो गए, फिर अगले साल पेपर दिन, पेपर देने के बाद इससे होते करते हमारा समय कट गया। फिर दोबारा हाई स्कूल किन, हम एक ही बात किन, हम सरसौल से यो पढ़ते अपने नज़दीक गाँव पढ़ते सरसौल में पेपर दिन, सरसौल से सेंटर का यही ठेंगा नरवले के लगे, कास जरूरी दूरी नहीं पड़ता था, नरवल गांव पर रहता है सेंटर गए के बाद हूँ हम कापिन में यार लगावा नोट हिंदी, जब पेपर दें जाते भाई साहब वो खूब चीन बड़ुआ लिखिया होता त्रिम प्रिम चढ़ा त्रिंग धाम ध्रीम लिखिया होता। सर जी हमारे घर में शादी थी यार, पास हो गए कैसे तमाम तरीके से हम अपनावा, फिर हमारे भर डारा कापी के पूरी का ऐसी तैसी कट डारा कापी के, फिर 500 रुपया नोट लगाए दिन भाजी, 500 सिर्फ लगा हुआ रहा अपनी कापी में। हम बोले हकीकत का भाई साहब पढ़े में हम बहुत बक्कार रहे, पढ़ाई लड़ाई कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, यकीन के साथ बोल रहे हैं, ये सच है हमारी जिंदगी का, यकीन सच है। ऐसे होते करते समय बीतता गया, दूसरा पेपर दिया उसमें भी 500 लगाया, तीसरा भी दिया उसमें भी 500 लगाया, चौथा भी दिया उसमें भी 500 लगाया, छठवां भी दिया उसमें भी 500 लगाया, छठवा दिया इसे 500 करते हमारा परसेंटेज बना 79% बना कुछ पॉइंट। तो कुछ घर वाले सोचते थे कि यार लइकवा बहुत पढ़े होशियार है, लागत है बहुत होशियार है, फिर माँ बाप हमका फिर जेले नहीं, फिर हम मक्का रहन हाई स्कूल में जाते रहन, हाई स्कूल के पेपर देते रहन फर्स्ट ईयर के पेपर देते रहन, गाँव घर में खूब संगत पकड़ रहना अच्छी, बहुत शरीफ लौटन थे हमारे व्यवहार रहा है, आई शरीफ रहा कि गांजा गुंजिया सब पियत रहा है, आई शरीफन थे हमारा व्यवहार रहा है,
उनके साथ रहे हम बहुत समय तक रहे, पेपर होते रहे भाई साहब, हम पिक्चर देखा करते रहे, पिक्चर देखते खेलता इससे पूरी जिंदगी इसका डर ऐसा इंटरव्यू मैन वही हाल भी हम जैसे पिछले हाई स्कूल में भैया इससे एवं भी एवं भी यार पाँच पाँच सौ नोटे लगा पर हमका यार इंटर में भाई जी बात 72% बना हम 72% बहत्तर के बाद फिर यार हाई आकर रिजल्ट के बाद हम दो तीन महीने तो कोचिंग की नहीं यार तो 3 महीना नरवल कोचिंग इन नरवल में पढ़ रहा कोचिंग की यार जान स्कूल साइकिल लेके यार पढ़ियावन भागियावन खूब मास्टर पढ़ावत रहे हम पीछे बकलोली करत रहन ऐसे करते हमारा भी जिंदगी बीत गया आते हुए 4-5 साल हमका इंटर पास करे हुए घंटा उखाड़ रहे बाबा जी के यार कुछ नहीं करे पाओ अपनी जिंदगी में असलियत भाजी है भाई साहब असलियत। अगर कोई भी सरकारी डिपार्ट का ये वीडियो अगर चेक करे चेक कर सकता है तो रियलिटी ये हमारी असलियत कहानी है कि मैं दिखने में तो तुम लगता हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ मगर झांट में पढ़ा लिखा हूँ मैं मेरा हकीकत मैं आप लोगों को बयां करने के लिए आज हमने वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा कह के सारा समय काट रहे इतने समय थोड़ा परचून की दुकान रखे हैं वही थोड़ा धंधा पानी माशाल्लाह कह देते यार वही के साथ जीवन गुजार रहे हैं। अब इतना महंगाई है भैया मोबाइल उबाइल के रिचार्ज हो साला भोसड़ी के बहुत महंगा है इतना तो हमारे घर का बिल नहीं है और इतना मोबाइल रिचार्ज क्या रहा है मेरे हमारा है केवल बताओ 700 रुपये महीना रिचार्ज आ रहा है भाई साहब बताओ अबे तो वहाँ भी आओ या नहीं भाई यार आगे चल के बर्बाद हो जाएगी लागत है हमें यार हकीकत बात है भाई साहब ये हकीकत बात है दोस्तों। हम यहीं से अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं यही हमारी जिंदगी की असलियत कहानी है हमारे यार दोस्त रहे हमारे गाँव के लौंडे रहे उमा शंकर राजकुमार सागर अमन और हमारे 10-20 गांव के लड़के हैं यार उनको नाम याद नहीं आ रहा है सबके साथ मैं पढ़ा लिखा हूँ सबसे खराब बकलोली हमारी पढ़ाई थी यार ऐसे है कि हमारा साला जीवन कटा जा रहा है यार 22 साल के हो चुके हैं कुछ झांट उखाड़े नहीं पावा कुछ हम बस इतना वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे राय जय हिंद दोस्तों।